हेलो गाइस, दिस इज मी अमित बोरकर एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक शुरू किया है, ठीक है। सो वही हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर वी स्टडी अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेम टॉपिक, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो वी हैव टुडेज टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो अगर हम डेफिनेशन कर दें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो क्या होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग? दैट मीन सिंपली मैनिपुलेशंस। किसके साथ मैनिपुलेशंस होगा? द मैनिपुलेशंस विद अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मैनिपुलेशंस करना। अब मैनिपुलेशन किस तरह से? Towards the desired end and in a directed and predetermined way। मतलब हमें जिस तरह से चाहिए, जैसे चाहिए, desired end, that means a gene of interest, जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें interest है, जो हमें चाहिए वो gene, उसका manipulations कर रहे हैं, या फिर हमें जिस तरह से चाहिए, जिस direction में चाहिए, उस डिरेक्शन में उस जेनेटिक मटेरियल का क्या करना, मैनिपुलेशंस करना, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो मैं एक सिंपली डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। दैट जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड्स द डीएनए, दैट जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड्स द आरएनए, ठीक है। किस तरह से? टूवर्ड्स द डिजायर एंड, टूवर्ड्स द डिजायर in directed and predetermined way, ठीक है। मतलब हमें जिस तरह से चाहिए, जो सोचा है, प्री डिटरमाइंड, उस हिसाब से हम हमारे उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मैनिपुलेशंस करना, दैट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। सो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉल्ड एज द अल्टरनेटिव, कॉल्ड एज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो कभी कभी आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड यूज किए गए, ठीक है। इट इज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, इसे वर्ड दिया गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और कभी कभी इसे आल्सो जीन क्लोनिंग भी कहा गया है। जीन क्लोनिंग, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक में कई कई टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिए गए कि बाबा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। तो ये सभी वर्ड थोड़े थोड़े अलग अलग है, ये वर्ड्स किसके लिए रेफर किए गए वो भी मैं आपको समझा के देता हूँ। तो सबसे पहले आई होप सो आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आई। सिंपली ध्यान में रखना कि हमें जिस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से हम जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से भी हो रहे, बाय यूजिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है, और उससे हमें बहुत सारे कॉपीज मिल रहे, आइडेंटिकल कॉपीज, समझ में आ रहा है? दैट आइडेंटिकल कॉपीज इज दैट मीन्स क्लोनिंग, ओके। सो वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ।
ये सिंपल सी जीन क्लोनिंग आया है, ये वर्ड का भी मैं आपको मीनिंग क्या होता है, किसके लिए रेफर किया गया है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सो मैं एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये तीनों वर्ड्स का क्या होता है, आप थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान दे देना उस एग्जाम्पल को। अगर समझो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का सेल है और सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है, कुछ उस इस जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट मैं बोल रहा हूँ, सम पार्ट, ये जो मैं रेड कलर के लिए दिखा रहा हूँ, दिस पार्ट इज अ डिफेक्टिव वन, ये क्या है, डिफेक्टिव है, समझो ये पार्ट, आई होप सो आप दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट मीन सम सीक्वेंस ऑफ द जीन और सम सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर द डिफेक्टिव वन। सो हमें इस डिफेक्टिव सेगमेंट को रिप्लेस करना है हेल्दी डीएनए से या फिर हेल्दी जीन से। आपको समझ में आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस डिफेक्टिव पार्ट को हम रिमूव करके उसके जगह हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी जीन उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। सो कैसे करेंगे, तो देखो ये सेल है, सेल के अंदर हमने अभी ये सेल से हमने ये डीएनए आइसोलेट कर दिया, समझो ये डीएनए आइसोलेट करने के बाद ये जो यहाँ पे हमने ये जो था ये क्या था, डिफेक्टिव जीन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफेक्टिव जीन, ठीक। अब इस डिफेक्टिव जीन को हमने क्या किया, हमने निकाल दिया, आगे भी मैं कर देता हूँ कि चलो यहाँ से मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो इस तरह से ये डिफेक्टिव जीन अब बाहर हो गया उसके ओरिजिनल जीन से। अब मैंने क्या किया, इस ये अभी रिमूव हो गया, सो दिस इज नाउ ये रिमूव हो गया, दिस इज नाउ रिमूव, ओके, देन वी टूक अ हेल्दी जीन, चलो हमारे पास ये दूसरा हेल्दी जीन है, मैं यहां भी लिख लेता हूं हेल्दी जीन या फिर डीएनए सेगमेंट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ जीन, उसको अभी हमने क्या किया, ये लिया मैंने यहां से और ये आया उसका, ठीक है, ओरिजिनल जीन, आई होप सो आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है, तो हमारा ये ओरिजिनल जीन और ये हेल्दी जीन, इसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया अभी, देखो हो गया इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये ओरिजिनल, ये जो डिफेक्टिव था वो हमने रिमूव कर दिया, डिफेक्टिव जीन रिमूव कर दिया, उसके बदले हमने कौन सा डाला, हेल्दी जीन डाला, बराबर है। अब ये हेल्दी इस तरह से हमने ये एक ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, इसी में, ठीक है, फिर से वो ऑर्गेनिज्म में हमने डाल दिया, मतलब ये ओरिजिनल वाला और ये जो हमने रिप्लेस किया था, ठीक है, हेल्दी वाला इस तरह से। अब ये समझो, अगर ये बैक्टीरिया अगर है, अगर ये अगर डिवाइड होता है तो ये क्या करेगा, ये इस ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, हुआ कि नहीं, इस तरह से डिवाइड होगा, तो इस डिवाइडेशन में
इसके पास, इसके पास डिवाइड हुआ, उसके साथ साथ हेल्दी वाला जीन था वो भी क्या होगा, उसके साथ साथ ये जो हेल्दी वाला जीन है वो भी डिवाइड हो रहा है। एंड नाउ लुक वी हैव कितने, ये एक दो तीन इस तरह है, चार चार कॉपीज हो गई है सिंगल जीन के, हो गए। सो ये सभी टेक्निक, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं इसे हम, बिकॉज वी मैनिपुलेट विद दिस जेनेटिक मटेरियल। क्या किया हमने, मैनिपुलेशंस किया जेनेटिक मटेरियल के साथ, इसके इस सेल के या फिर इस ऑर्गेनिज्म के, समझो। अब ये मैनिपुलेशंस होते वक्त देखो, हमने इसके डिफेक्टिव वाले जीन्स को हमने निकाल दिया और उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैनिपुलेशंस में वही होता है, रिप्लेस करना किसी जीन का, किसी जीन को कंबाइन करना, टू आर मोर जीन को कंबाइन करना, जीन को ट्रांसफर करना, समझ में आ रहा है। ये सभी चीजें कहाँ पे होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होते हैं। वेन वी मैनिपुलेटेड दैट जेनेटिक मटेरियल देन दिस ऑल थिंग्स हैपन्स आर ऑकर। सो अब दूसरी बात कौन सी, ये देखो ये वाला जो डीएनए था, ये वाला ओरिजिनल, तो हमने उसको रिमूव किया और फिर से हमने उसको हेल्दी जीन से क्या किया, रिकम्बाइन किया। दिस इज कॉल्ड एज द आर डी एन ए, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने फिर से रिकॉम्बिनेंट, हमने फिर से क्या किया, कंबाइन किया, देखो इसको हेल्दी जीन से फिर से कंबाइन किया। सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट। तो इसके लिए हम ये जो प्रोसीजर है हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, बराबर है। मतलब जेनेटिक इंजीन मैनिपुलेशन हो रहा है पर किसके मदद से हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हो रहा है। इसलिए अल्टरनेटिव जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा गया। आरडीएनए का मतलब वही हो गया, हम फिर से मतलब एक तोड़ दिए, वहां से रिमूव कर दिए और उसके साथ दूसरे जीन के साथ उसको कंबाइन किया, मतलब इस जेनेटिक सेगमेंट को हमने फिर से रिकम्बाइन किया, फिर से कंबाइन किया, मतलब रिकम्बाइन किया, दैट्स व्हाई इट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये जो एक जेनेटिक सेगमेंट था, ये देखो एक सिंगल कॉपी थी पर इस तरह से ये डिवाइड होता है, तो हमें एक दो तीन चार, कितने कॉपीज मिल रही, चार कॉपीज मिल रहे। दैट चार कॉपीज कैसे हैं, आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इसका जैसे जेनेटिक सीक्वेंस है उसी तरह इन सभी का जेनेटिक सीक्वेंस है, तो दिस इज कॉल्ड एज द जीन क्लोनिंग। इसी को हम क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग। सो व्हाट इज द जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का आप डेफिनेशन देख लो। जीन क्लोनिंग इज द, या फिर डीएनए क्लोनिंग इज द, वन मिनट, डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए। यहां पे मैं लिख लेता हूं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए, क्या फॉर्म करना, लार्ज नंबर में डीएनए, कैसे डीएनए लार्ज नंबर में, आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, सॉरी यहां पर मैं लिखता हूं आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंगल एंसेस्ट्रल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,
ये यहाँ कहाँ गया रे? चलो ये देखो, जीन क्लोनिंग या फिर इसे हम मत कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। क्या है डीएनए क्लोनिंग? देखो अभी डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जो जो हम एंसेस्टर ले रहे हैं उसका जो उनको जेनेटिक मेकअप है सेम जेनेटिक मेकअप रहने वाले बहुत सारे कॉपीज, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए क्लोनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए क्लोन हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो अल्टरनेटिव ये डीएनए क्लोनिंग में कहा रहा है। तो ये डीएनए क्लोनिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी एक अल्टरनेटिवली यूज करते, पर वर्ल्ड वाइड वो फोकस अलग तरह से रेफर किया जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, सो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या चीज़ें लगती है, किस तरह से ये बनता है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स लगेंगे, उनके लिए कुछ टेक्निक्स लगेंगे, है कि नहीं रे? सो व्हाट इज द टूल्स एंड व्हाट इज द टेक्निक्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग मी।